हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय प्राइवेट स्पेस। ये बहुत ही प्राइवेट जगह है जहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, कैसे मैंने पिछले लगभग 10 दिन में अपनी हेयर लॉस को रिवर्स किया और वापस से हेयर ग्रोथ होने शुरू हुई। देखिए, हेयर ग्रोथ जो है, अगर मैं मेरी बात करूँ तो बहुत डिपेंड करती है हेयर ग्रोथ जेनेटिक्स पे। लेकिन मेरी अगर मैं बात करूँ तो मेरे दादाजी के लगभग 30 वर्ष की आयु में और पिताजी के थोड़ा समय के बाद में लगभग मान लीजिए 35 वर्ष की आयु में एकदम साफ। तो मुझे बड़ा डर लगता है कहीं एकदम साफ ना होता जाए और धीरे धीरे बाल झड़ते भी जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बालों का आपके जेनेटिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन फिर भी हम उसको डिले कैसे कर सकते हैं, जितना हो सके हम उसको लंबे समय तक। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल जेनेटिक्स पे, यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपने हेयर लॉस को वापस से रिवर्स कर सकते हैं, और मैंने पिछले 10 दिन में किया। देखिए, 3 स्टेप्स में हम बात करेंगे, 3 चीज़ें जो मैं गलती कर रहा था और शायद आप भी कर रहे होंगे। ये वीडियो चाहे मेल्स देख रहे हो चाहे फीमेल्स देख रहे हो, सभी के लिए है। 3 चीज़ें, 3 स्टेप्स। पहला जो स्टेप है, देखिए, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आपका जो वात दोष इम्बैलेंस है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपके हेयर लॉस को। मतलब बात क्या है, हवा। हवा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है, सब कुछ झड़ जाता है। जैसे देखा है आपने पतझड़ के महीने में पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे हमारे बाल भी झड़ जाते हैं। और ज़्यादा बोलने से भी बात बढ़ता है, तो मेरी आदत है ज़्यादा बोलने की। आदत क्या करूँ, मजबूरी है, क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस। आपको मेरे 90 डेज विद हेमंत विस्क के प्रोग्राम के बारे में पता है? नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है वो प्रोग्राम, लाइव योगा और आयुर्वेदा प्रोग्राम। तो ज़्यादा बोलने से भी वात बढ़ता है, तो मेरा ज़्यादा बोलना, मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। तो मेरा वात जो दोष है वो पिछले 6-7 महीने से काफ़ी डिस्टर्ब था, जिसके कारण मेरे जो हेयर लॉस बहुत होता जा रहा था। इररिस्पेक्टिव, मैं बायोटिन ले रहा था, उसके अलावा विटामिन ई ले रहा था, प्रोटीन की अपनी जो सफिशियंट लेना चाहिए उतना ले रहा था, फिर भी बाल झड़ रहे थे। पहला रीज़न वात दोष। तो मैंने वात दोष को बैलेंस करना शुरू किया। वात दोष के लिए सबसे पहले तो मैंने रेगुलर बॉडी मसाज करना शुरू किया। देखो, बाथरूम में हूँ अभी, और बाथरूम में ही आप नहाने से पहले आप अपनी अभ्यंग कर सकते हो, सेल्फ मसाज कर सकते हो। अभी ये मौसम थोड़ा ठंड का है, तो ठंड के मौसम में आप सेसमे ऑयल या सरसों के तेल से कर सकते हो, वात दोष बैलेंस होता है। उसके अलावा जो खाने में मैंने कुछ तब्दीली लेके आया, जो चीज़ें कई बार होता है ना, अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, उसके चक्कर में हम कुछ ऐसी गड़बड़ चीज़ भी खा लेते हैं, तो गर्म चीज़ें खानी शुरू करी, ठंडी चीज़ों को बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल दिया। ये मैंने वात दोष को बैलेंस करने की। दूसरी जो चीज़ हम करते हैं वो है शैम्पू। देखिए, मैं काफ़ी सारे शैम्पूज मैंने इकट्ठे किए हुए अलग अलग बॉडी शॉप से और काफ़ी अलग अलग जगह से, लेकिन सब में जो है सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारे बालों का जो ऑयल्स हैं वो सारा वो खींच लेता है। वो अगेन जो वात जो काम करता है, वो ही आपका शैम्पू भी काम करता है। तो मैं एक बहुत ही अच्छा शैम्पू मैंने लेके आया, मुझे मिला, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देखिए, ये खादी हेयर वॉश है, खादी कंपनी का है, और ये पाउडर है। तो पाउडर फॉर्म में इसको आप लगा लीजिए बाथरूम में, 5 मिनट के बाद में धो लीजिए। इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं इस कंपनी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, आप घर पर भी बना सकते हैं आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सब का पाउडर लगा के, और ये शैम्पू से कहीं ज़्यादा अच्छा है, अच्छी चीज़ है। खादी का हेयर वॉश पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले काफ़ी समय से। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इन्होंने मेरे को 5 रुपये भी नहीं दिए ये प्रमोट करने के, लेकिन अच्छी चीज़ है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके अलावा मैंने एक और, काफ़ी सारे ऑयल्स जो है, मैं एक और गलती करता था, मैं रात को सोने से पहले ऑयलिंग नहीं करता था बालों में, आ जाती है या ज़्यादा शैम्पू लगाने के कारण, तो वो भी अच्छे यदि आप कोई ऑयल यूज़ करेंगे। रेड ऑनियन ऑयल मिला, रेड अनियन के जो सीड्स हैं उनमें सल्फर की मात्रा होती है, तो वो क्या करता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको वापस स्टिमुलेट करता है, बाल वापस आने शुरू हो जाते हैं। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, और खादी वाले जब पैसे देंगे तो डेफिनेटली इनके लिए प्रमोशनल वीडियो भी करेंगे, अच्छी चीज़ है। 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए, 3 चीज़ें, एक तो वात दोष को बैलेंस करना, एक आपका शैम्पू को आपको चेंज करना है, तीसरा रात को सोने से पहले अपने स्कैल्प में अच्छे ऑयल की मसाज करना, अच्छे ऑयल में, वो सारे ऑयल्स जो बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स को हम समझ सकते हैं तलवार और मयान। बाल जो हैं आपकी तलवार है और हेयर फॉलिकल मयान है, तो वो उसमें से वापस स्टिमुलेट हो। रेड अनियन, क्योंकि सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, ये चीज़ स्टिमुलेट करती है। छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब आप किसी भी वीडियो को आप देख लीजिए,
आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के आखिरी में आप लोगों से कहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।